वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम प्रियॉन प्रोटीन्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट वन में इसके स्ट्रक्चर को, जीन को, फर्दर इसकी रिप्लिकेशन को और साइन और सिम्टम्स को डिस्कस किया। अभी इस सेकंड पार्ट में हम प्रियॉन डिजीज को डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रियॉन डिजीज जो हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो है हम ह्यूमन बीइंग्स में प्रियॉन डिजीज को डिस्कस करते हैं, और फर्स्ट जो डिजीज है उसको क्रोसफेल्ड जैकोब डिजीज कहते हैं। ओके, क्रोसफेल्ड जैकोब डिजीज जो है ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स इनको क्या करते हैं, काज करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रियॉन्स कहते हैं। ये एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं और ये क्या करते हैं कि जो ब्रेन है उसकी श्रिंकिंग करते हैं, ब्रेन की क्या करते हैं, ये श्रिंकिंग करते हैं। उनमें जो है होल्स डेवलप हो जाते हैं, उनके टिश्यूज जो है वो इन्फेक्ट होके, यानी नर्व टिश्यूज इन्फेक्ट होके उनमें होल्स डेवलप हो जाते हैं। और उनकी जो अपियरेंस होती है वो किस तरह होती है, लाइक स्पॉन्ज, यानी स्पॉन्ज की तरह की उनकी अपियरेंस होती है। जिस तरह स्पॉन्ज में होल्स होते हैं, उस तरह जो है इस डिजीज में भी जो ब्रेन है उसमें होल्स डेवलप हो जाते हैं। फर्दर जो है इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें लॉस ऑफ एबिलिटी टू थिंक, यानी थिंकिंग की एबिलिटी जो है वो पेशेंट लॉस कर देता है। इसके अलावा जो उनकी मूवमेंट होती है वो भी जो है प्रॉपरली नहीं होती, वो मूव भी प्रॉपरली नहीं करते और उनकी मेमोरी भी जो है वो लॉस हो जाती है। तो ये जो डिजीज है ये क्या है, फेटल डिजीज है, जो तकरीबन कोई विद इन वन ईयर जो है वो इनके साइन और सिम्टम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जो पेशेंट होता है उस पे इनके पेशेंट वो साइन और सिम्टम्स विद इन वन ईयर अपियर हो जाते हैं, लेकिन ये क्या होता है, फेटल होता है, किससे, डेथ काज हो जाती है। अच्छा, सेकंड जो डिजीज है उसको हम कहते हैं वेरिएंट सीजेडी, यानी वेरिएंट क्रोसफेल्ड जैकोब डिजीज। इसकी जो है वो सेकंड टाइप है और ये रिलेटेड होता है मिड काउ डिजीज के साथ, यानी जो एनिमल्स में या कैटल्स में होता है मिड काउ डिजीज, उससे ये क्या होता है डिजीज, ये जो है वो उससे रिलेट करता है। और ये मोस्टली जो हम कंटेमिनेटेड मीट फॉर एग्जांपल खाते हैं, जो प्रियॉन प्रोटीन्स, जो एबनॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन्स की वजह से वो डिजीज काज हुआ है ना एनिमल्स में, अगर वो हम मीट खाते हैं तो ये डिजीज जो है हमें हो जाता है, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स में भी ये डिजीज ट्रांसफर हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जो हमारे नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन्स हैं उनके साथ जो है वो ये एबनॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन्स अटैच होके उनको भी जो है वो एबनॉर्मल बना देते हैं, और इस तरह जो है हम इनका शिकार हो जाते हैं। और मोस्टली इनका जो शिकार होते हैं वो यंगर पीपल, यानी जो चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं, ये इनका जो है वो ज्यादा टारगेट बनते हैं। अच्छा, फिर थर्ड जो डिजीज है ह्यूमन बीइंग्स में उसको क्या कहते हैं, कुरू। ये डिजीज जो है फर्स्ट डिस्कवर हुआ था ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में फर्स्ट जो है वो स्क्रैपी डिस्कवर हुआ था, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में फर्स्ट जो है वो कुरू डिजीज डिस्कवर हुआ था। अच्छा, ये जो कुरू डिजीज है ये क्या है, इनक्यूरेबल डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी इनक्यूरेबल होता है, इनका कोई इलाज नहीं होता। और डीजनरेटिव मींस के इनमें जो है नर्व्स टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब नर्व टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डीजनरेटिव, यानी वो अपना फंक्शन क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। और ये जो है मोस्टली ये डिजीज एंडेमिक होता है इन द पीपल ऑफ न्यूगनी, पपुआ न्यूगनी, ये जो है इधर बहुत ही कॉमन होता है न्यूगनी में, क्योंकि इन लोगों का कुछ रसूमात या कुछ रिवाज वगैरह होते हैं जिसको किनिबिलिज्म कहते हैं। किनिबिलिज्म में ये क्या करते हैं कि जो इनके डेड बॉडीज होती हैं, जो बंदे जिनकी डेथ हो जाती है, डेड बॉडीज की, उनके ये जो है ब्रेन काते हैं, ठीक है, इन्हें उनका मगज काते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, किनिबिलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका रस्म होता है, इस वजह से ये जो कुरू डिजीज है ये इधर बहुत ही
कॉमन होता है। और इवन ये जो वर्ड कोरु है इसकी मीनिंग ये भी जो है इन्हीं न्यूगनी की जो लैंग्वेज है इन्हीं से ही डिराइव्ड हुआ है कोरु। और इसका मतलब क्या है, ट्रीमर्स यानी बॉडी शेकिंग। इनकी जो इस डिजीज में जो फॉर्मल बॉडी होती है वो क्या करती है, शेक करती है, ठीक है, ट्रेम्बल या उसको ट्रेम्बल्स या ट्रीमर्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें बॉडी शेक होता है। तो इनकी इस डिजीज की क्या है ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, ठीक है। और इनके जो साइन और सिम्टम्स है उसमें क्या है, अनस्टेडी गेट मींस के जो वॉकिंग होती है वो क्या होती है, अनस्टेडी होती है यानी एबनॉर्मल हो जाती है, रेगुलर नहीं होती, ट्रीमर होता है। इसके अलावा जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो भी इसमें लॉस हो जाती है, और उसको क्या कहते हैं, एटैक्सिया। एटैक्सिया मींस के उसमें जो कोऑर्डिनेशन होती है मसल्स में ना वो क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। और इवन हुसन ये जो आई के मसल्स हैं इनकी कोऑर्डिनेशन भी नहीं रहती है, इस वजह से आंखें जो है वो कंट्रोल में नहीं होती पेशेंट के, ठीक है। तो ये तकरीबन जो है इससे ये भी जो है फेटल डिजीज है, इससे डेथ काज होता है, और थ्री मंथ्स टू टू ईयर्स तक ये जो है इवन इसमें डेथ भी काज होता है। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड डिजीज है उसको फेटल इंसोम्निया कहते हैं। ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ये जो फेटल फीमेलियल इंसोम्निया है ये क्या है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है। और फीमेलियल इस वजह से इसको कहते हैं कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी फैमिलीज में रहता है। फर्मल अगर एक फैमिलीज में है और चूंकि जो कजन मैरिजेस होती हैं उस वजह से फिर ये जो है डिजीज क्या होती है, फैमिलीज के अंदर रहती हैं, तो इस वजह से इसको फेटल फीमेलियल इंसोम्निया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो है इंसोम्निया रहते हैं, यानी इनएबिलिटी टू स्लीप फॉर प्रोलॉन्ग टाइम्स, या पेरानोया है, इसमें फियर होता है, फियर यानी जो पेशेंट होता है उसको फोबिया या फियर रहता है, ठीक है, उसको पेरानोया भी कहते हैं। और इसके अलावा पेशेंट के साथ हलुसिनेशंस होती हैं, जो फॉल्स प्रिजम्प्टिव टाइप के जो है वो परसेप्शंस होती हैं, उसको हलुसिनेशंस कहते हैं। और इनएबिलिटी टू स्लीप, और इसके साथ जो है फिर फर्दर जो है वो रैपिड वेट लॉस होता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब बंदा सोता नहीं है तो उसमें क्या होता है कि वेट लॉस भी होता है। और इसके अलावा जो है डिमेंशिया होता है जिसमें मेमोरी लॉस होता है, और पर्सन जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं या म्यूट हो जाते हैं, यानी वो बात वगैरह नहीं करते, तो इसको क्या कहते हैं, डिमेंशिया कहते हैं। और इससे भी जो है तकरीबन कोई जो डेथ होती है ये 7 to 36 months में कहते हैं कि ये इनसे भी डेथ वाक्या हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो डिजीज है वो एनिमल्स हैं। एनिमल्स में जो प्रियोन डिजीज है उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी है, यानी ये भी ब्रेन को जो कैटल्स हैं उनके ब्रेन को डैमेज करते हैं। और जिस तरह क्रूसफील्ड जैकॉब डिजीज था उसमें भी स्पॉन्जी जो ब्रेन था वो स्पॉन्जी फॉर्म में चेंज हो जाता था, तो इधर भी जो है स्पॉन्जी फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी स्पॉन्जी लाइक अपीयरेंस ब्रेन की होती है। और इस डिजीज को मेट काउ डिजीज भी कहते हैं, चूंकि ये कैटल्स में होता है और वो जस्ट बिहेव करते हैं एज मेड, तो इसको जो है मेड काउ डिजीज भी कहते हैं, कैटल्स को इफेक्ट करते हैं। और ये जो कैटल्स में स्प्रेड होता है वो किस तरह स्प्रेड होता है कि जब कैटल्स को जो है मोस्टली जो वर्ल्ड वाइड कुछ कंट्रीज इस तरह भी हैं कि उधर उनको कैटल्स को फीड किया जाता था विद मीट एंड बोन्स, तो उनको बोन्स के लिए जाते थे। और फॉर एग्जांपल वो बोन्स भी जो है या कैटल्स या शीप के होते थे, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई शीप फॉर एग्जांपल प्रियोन डिजीज से इन्फेक्टेड है जिस तरह स्क्रैपी है, तो वो बोन्स अगर हम फॉर एग्जांपल कैटल्स को खिलाए जाते हैं तो उससे ये डिजीज जो है कैटल्स में भी ट्रांसफर हो जाती है। और इधर ये जो एबनॉर्मेलिटीज कास्ट करती हैं ये किस फॉर्म में कास्ट करती हैं, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी की फॉर्म में। और ये फिर ये जो उनका ये कस्टम था ना, ये जो रिवाज था कि बोन्स को जो है वो फीड करते थे कैटल्स को, तो ये फिर बैन हुआ, ये प्रैक्टिस ये कनाडा में बैन हुआ तकरीबन 2004 में ये बैन हुआ, क्योंकि इससे क्या होते थे कैटल्स में ये डिजीज बहुत कॉमन थी।
सेकेंड डिजीज जो एनिमल्स में है उसको स्क्रैपी डिजीज कहते हैं, ये शीप्स और गोट्स को जो है क्या करते हैं टारगेट करते हैं, यानी मेनली ये शीप्स और गोट्स को टारगेट करते हैं। इनके साइन और सिम्टम्स सिमिलर टू कुरू डिजीज होता है, यानी बॉडी क्या करता है ट्रेमर या शेकिंग इसमें होती है, यानी एनिमल्स जो है ये शेक करते हैं, इनकी बॉडी शेक होती है या ट्रीमर की तरह। इनके ब्रेन्स में क्या होते हैं होल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये वैसे जो प्रियोन डिजीज है उनके जो है कॉमन सिम्टम्स है कि ब्रेन में क्या डिवेलप होते हैं होल्स डिवेलप होते हैं, और ये तकरीबन ये भी फेटल होता है थ्रू 3 to 6 months में ये जो है एनिमल की डेथ काज हो जाती है। अच्छा इनमें कोई जो है इन्फ्लेमेशन नहीं होती। अच्छा इन्फ्लेमेशन नहीं होती इसका मतलब ये है कि डिजीज में तो लाजमी तौर पे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है और डिजीज काज हो जाती है, लेकिन जो प्रियोन प्रोटीन्स हैं ये सिमिलर टू हमारे नॉर्मल सेलुलर जो प्रियोन प्रोटीन है उनके सिमिलर होते हैं, तो इस वजह से इम्यून सिस्टम इनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो इस बेस पे कोई इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती। और ये ट्रांसमिसिबल होता है कि क्या कि वन गोट और शीप जो है ये जो है वो क्या होती है ट्रांसमिट होती है फ्रॉम डिजीज वन टू नॉर्मल एनिमल जो है ये ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा फिर फर्दर जो है क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज है, क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज जो है ये भी जो है इन्फेक्शियस प्रियॉन्स जो है वो से ये काज होता है जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं प्रियॉन्स के, और ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड या लेम्फ नोड्स या इवन स्प्लीन में जो है ये क्या होते हैं ये प्रोटीन्स एबनॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन्स इधर एक्युमुलेट होते हैं या जमा होते हैं। अच्छा ये फिर जो है जो ब्रेन में है ये ब्रेन पे क्या करते हैं प्रियॉन्स अटैक करते हैं नर्व्स टिश्यूज पे, ठीक है। ब्रेन में ये क्या करते हैं न्यूरॉन्स पे अटैक करते हैं और उनकी क्या कास करते हैं डीजनरेशन कास करते हैं, यानी उनको डैमेज कर देते हैं, उनके फंक्शन को क्या कर देते हैं लॉस कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं डीजनरेशन। और इनके जो साइन और सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं इसमें ग्रेंडिंग ऑफ टीथ, यानी अपने ग्रैंड टीथ्स को क्या करते हैं ग्रेंड करते हैं, और ड्रूपिंग ऑफ हेड, ये अपने जो इनका हेड है उनको बो करते हैं नीचे कर देते हैं, इसको ड्रूपिंग कहते हैं। और इसके अलावा जो है जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाती है लॉस हो जाती है, और साथ साथ में जो है वेट भी इनकी क्या हो जाती है लॉस हो जाती है। अच्छा ये तो ब्रेन में था, फिर फर्दर स्पाइनल कॉर्ड में भी ये जाके क्या कास करता है वीकनेस कास करता है, और उससे ये क्या होता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर या लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में भी ये काज कर देते हैं। ओके थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। तो हमारा लेक्चर इधर तक ही था, आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके टेक केयर।